भारत दुनिया का वो हिस्सा है जहां लोकतंत्र हमारी अपनी ही परंपरा से उपजा है। गणतंत्र की ये यात्रा आत्मसम्मान से लेकर आत्मनिर्भरता तक की भी रही, जिसका संबल और आधार भूमि रहा हमारा संविधान। यह आधार भूमि कई विचारों की ईंटों और कुछ ऐसी आत्माओं की ध्वनियों से अस्तित्व में आया जिसने भारत की दब गई सिसकियों को पहचाना था। लोकतंत्र भारतीय संविधान का बुनियादी सिद्धांत है, मौलिक आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि लोकतंत्र के अलावा दूसरे कुछ पहलू हैं, उन पर भी ध्यान जाना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र तो आधारभूत सिद्धांत है। जैसे गणतंत्र एक और सिद्धांत है, जैसे सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो के आइडिया जो वो प्रीएम्बल में हैं, प्रस्तावना में हैं, ये सारे लक्षण भारतीय संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण के दौरान ये एक बड़ा मुद्दा रहा, राजनीतिक बदलाव के बाद सामाजिक बदलाव कैसे हो, और इस समस्या के मुखर अगुवा रहे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में उनकी जो भूमिका थी, 7 सदस्यों के ड्राफ्ट कमेटी में वे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह से गोवर्धन पर्वत को, मैं कहूँ संविधान निर्माण के गोवर्धन पर्वत को उठाने का कार्य किया। बाकी 6 सदस्यों में एक का देहावसान हो गया, 2 विदेशों में थे, 2 की रुचि प्रदेश की राजनीति में थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को एक बड़े पटल पर देखने की आवश्यकता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने ये साफ शब्दों में लिखा कि समाज में पीछे रह गए लोगों को अब बराबरी का हक है, इंसान के छूने से इंसान का अपवित्र हो जाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। अवसर की समानता को बाबा साहेब ने अधिकार में बदला और संविधान सभा ने इसे मौलिक अधिकार माना। अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास हिस्सा माना। बाबा साहेब ने कहा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि इसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के मूल्य समझेंगे। जब तक अवसर की समानता नहीं होती, आप किसी जाति विशेष को, वर्ग विशेष को आप वंचित कर देते हैं, तो फिर वो समाज कभी लोकतांत्रिक समाज नहीं हो सकता है। यदि आप लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं, एक राष्ट्रीय समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो किसी भी वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। बाबा साहब की मूल अवधारणा इसी बात पर थी। एक और बात उन्होंने जो कहा था कि जो समाज का प्रत्येक वर्ग राष्ट्र का निर्माण करता है, ऐसा कहने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। वो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि बाकी लोग कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में स्मृति का योगदान होता है, उन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण में विस्मृति का भी योगदान होता है, अर्थात उन कटु अनुभवों को भूलना भी चाहिए जिस कटु अनुभव से बंधुता का निर्माण नहीं होता है। जानकारों ने तब इसे इतिहास का एक बड़ा कदम माना। चर्चिल जैसे दिग्गजों ने कहा था, एक गरीब, विविधताओं से भरपूर और बटा हुआ देश तार्किक रूप से लंबे समय तक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकशाही कायम नहीं रख पाएगा। लेकिन देश की प्रतिभाओं ने कुछ और ही तय कर रखा था। चर्चिल को गलत साबित करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवित रखने की नींव डाली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कराची प्रस्ताव जो 1931 में पारित हुआ, और उस प्रस्ताव में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वह है जिसमें आप मूल रूप से भारतीय संविधान के सारे मौलिक अधिकारों को पाते हैं और साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जितने सिद्धांत हैं उनका भी उल्लेख पाते हैं। तो कराची रेजोल्यूशन 1931 में मौलिक अधिकारों का भी प्रतिबिंब है
और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रतिबिंब। 14 अप्रैल 1891 महू का सैन्य छावनी। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। वे अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वे अंबाडवे नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, इससे संबंधित था। इनके फादर रामजी सकपाल साहब यहाँ पे सर्विस करते थे सूबेदार के पद पे। एक बैरक यहाँ पे थी जिसमें इनका जन्म हुआ। अब उस बैरक की बाद में छानबीन की गई तो एक धम्मशील बनते, तो इस काम को काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया। और एक जगह उन्होंने ढूंढ के बताई कि ये शायद बैरक यहीं पे थी, तो आर्मी के रिकॉर्ड से वो देखा गया तो वो बैरक वहाँ पे मिली। भीमराव अंबेडकर निम्न वर्ग की महार जाति में पैदा हुए थे, जो अछूत कहे जाते थे, और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में रहे। पिता को मराठी और अंग्रेजी भाषा की औपचारिक डिग्री भी हासिल थी। वो न सिर्फ शिक्षित थे बल्कि परिवार में शिक्षा के महत्व को भी समझते थे। सर्विस में थे उनके फादर, तो आर्मी में पोस्टिंग रही, तो उनकी इस पोस्टिंग पर बाबा साहब का जन्म हुआ। और इनके ग्रैंडफादर जो संत कबीर के विचारधारा से प्रभावित थे, तो वो पूरा परिवार इनके फादर भी, और इनकी शिक्षा दीक्षा और शुरुआती जो संस्कार हैं वो संत कबीर के विचारधारा से प्रभावित रहे। ये दौर असमानताओं का था। समाज में अछूत जातियां हाशिए पर खड़ी थीं। स्कूली जीवन में ही अंबेडकर को इस भेदभाव और पीड़ा से गुजरना पड़ा। सक्षम होने के बावजूद अंबेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था। अपमान के इस दंश के बीच अंबेडकर और मजबूत होते गए। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा किसी तरह पूरी की। उनको हर कदम कदम पर जिल्लत और ये अछूत होने की बात उनके दिल में घर कर गई, और दिल में घर करते हुए भी उन्होंने अपना इस संघर्ष के दौर में भी अपनी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जिस बिरादरी जाति से थे, महार जाति, उस जाति की बहुत ही दयनीय अवस्था थी महाराष्ट्र में, और उसके समकक्ष जो जातियाँ थी जिसको अनटचेबल्स अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था, इन अस्पृश्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों रूप में ये वंचित वर्ग था। इससे बाबा साहब अंबेडकर को भी उस वंचना का शिकार होना पड़ा। 1907 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। इसके बाद 1908 में बड़ौदा महाराज सहयात्री राव तृतीय की आर्थिक सहायता से एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और 1912 में ग्रेजुएट हुए। बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ साहब की फेलोशिप थी जो उनको दी गई, वो मिली, और उस फेलोशिप से उन्होंने बीए पास किया बॉम्बे विश्वविद्यालय से, और अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा जिसके बेस पर उनको दोबारा से सयाजी गायकवाड़ साहब ने फेलोशिप दी, और उस फेलोशिप से वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए करने के लिए गए। अंबेडकर ने कई साल बड़ौदा राज्य की सेवा की। बड़ौदा राज्य की सेवा में उन्हें गायकवाड़ स्कॉलरशिप दिया गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। जब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब एमए की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। इसमें उन्होंने अन्य देशों से भारत के संबंधों पर विचार किया। रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उपाय, जो बाद में भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास नाम के बुक से एक पब्लिशर ने पब्लिश किया। ये बात और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इंडिया में करेंसी की प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन ने विजिट किया इंडिया में। हिल्टन उस समय
ब्रिटिश वहाँ पे गवर्नमेंट में ट्रेजरी के हेड हुआ करते थे हिल्टन यंग, वो इंडिया में विजिट किए और यहाँ पे आने पर 1934 में बाबा साहब ने उनके कमीशन के सामने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड करेंसी इन इंडिया करके एक प्रेजेंटेशन दिया और उसी प्रेजेंटेशन के बेस्ड पे हिल्टन यंग कमीशन ने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक वो रिकमेंडेशन दिया जो बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के नाम से बनाया गया और आज वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है। इसी क्रम में वे प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के संपर्क में आए। सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया लेकिन साधन अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली 1917 में ही उनकी जो फेलोशिप है वो ख़त्म हो गई है और उनकी पढ़ाई अधूरी, वो केवल एमए और पीएचडी हो चुके थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो उनको लगा चलो अभी भारत वापस ही जा रहे हैं तो अमेरिका जाने वाले सीधे डायरेक्ट भारत आने के बदले कभी कभी वाया ब्रिटेन आते हैं, तो इनको भी लगा मैं वाया ब्रिटेन ही जाऊँगा। ब्रिटेन में आए तो उनको लगा चलो लगे हाथ में पंजीकृत कर देता हूँ LLB की पढ़ाई के लिए, विधि की पढ़ाई के लिए, MSc की पढ़ाई के लिए, DSc की पढ़ाई के लिए और जर्मनी में रिसर्च करने के लिए। तो वैसा उन्होंने कर लिया। प्रोफेसर यहाँ तक बताते थे उनको कि भैया ये रजिस्ट्रेशन तो हो गया आपका पर आओगे कब? सर आई एम वेरी सॉरी आई डोंट नो सर। अच्छा अम्बेडकर आपके लिए मैं 4 साल तक इंतज़ार करूँगा। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, फिर वे बड़ौदा से बंबई आ गए। कुछ दिनों तक वे सिडनहैम कॉलेज मुंबई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। कुछ समय बाद जाकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया बड़ौदा नरेश के वहाँ पे और अच्छी सर्विस थी, वो सलाहकार थे मगर उनको कोई रहने का प्लेस नहीं मिलने के कारण वो सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो फिर वो वापस बॉम्बे में जा कर के एक बहुत ही जिसे हम आज झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं या खुली बोलते हैं वहाँ रह कर के उन्होंने टीचिंग किया और वकालत किया। वहीं पर उन्होंने काफ़ी अच्छे और भी लोगों को ग्रुप बनाया, एजुकेशन सोसाइटी बनाई और मेहनत किया। उसमें से फिर कुछ जो पैसे वो बचा पाए उन पैसों से लेकर के वो दोबारा गए अपने पैसे से लंदन और वहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में जो उनकी कोर्सेज थे वो उन्होंने PhD की और बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की। 1920 में कोल्हापुर में सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल भी मुक्त रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ। किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो ओ, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो 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 किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर
के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घर आना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है, फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। किंग हेनरी रोड पर 2050 वर्ग फीट में बनी इस इमारत को साल 2015 में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 32 करोड़ रुपए में खरीदा और राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्मारक की बुनियाद रखी। सरकार ने सालाना 2 दलित छात्रों को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजने की भी घोषणा की। अतिथि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते थे तब यहाँ पे रहते थे, और हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो एक दिस शुड बी अ नॉलेज ऑफ सिंबल फॉर द डीप एवरी इंडियंस, ये होना चाहिए ऐसी सबकी जनभावना को ध्यान में रखते हुए। और जो बच्चे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े गया या एब्रॉड यूरोप में जहाँ जहाँ भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए बाबा साहेब एक परम आदर्श निश्चित थे। वो जिस परिस्थितियों में यहाँ रहे और पढ़े, तो निश्चित हम सबके लिए ये बड़ी बात है। और इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई कुछ मेमोरियल यहाँ पे बनाने का महाराष्ट्र सरकार का और भारत सरकार का एक मानस है, और वो निश्चित हम पूरा करेंगे। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अध्ययन और लेखन का दौर जारी रहा। बाबा साहब अपनी किताबों में अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और दलित वर्ग पर हुए अत्याचार के बारे में लिखते रहे, उसका विरोध करते रहे। 1920 के दशक में बंबई में एक बार बोलते हुए उन्होंने साफ साफ कहा था, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे अंतिम समय तक दलित वर्ग के मसीहा बने रहे और अछूतों के उद्धार के लिए अंतिम समय तक काम किया। वे राष्ट्र निर्माण के और राजनीति में राष्ट्रीय पटल पर सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही थी कि दलितों के जब हित का सवाल आएगा तो उस हित के सवाल पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि दलितों का जब तक सशक्तिकरण नहीं होगा और उसके लिए लड़ने वाला कोई व्यक्ति जब तक सामने खड़ा नहीं होगा, जो अपने हित को त्याग करके एक सार्वजनिक हित को, सामूहिक हित को सामने नहीं रखेगा, तब तक दलितोद्धार नहीं होगा। इस दौर में दलित और पिछड़ी जातियों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद थे। इसके विरुद्ध अंबेडकर ने कई आंदोलनों का सूत्रपात किया। सन 1927 में उन्होंने हिंदुओं द्वारा निजी संपत्ति घोषित करने और सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए अछूतों को अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कोंकण में महाड़ एक जगह है, वहां का चौदार तालाब, जो के जहां जिस तालाब पर कुत्ते बिल्ली अनेक जानवर पानी पिया करते थे और सवर्ण लोग भी वहाँ से पानी पीने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन अछूतों को उस पानी का उपयोग करने की मुभा नहीं थी, तो उन्होंने महाड़ का पानी का सत्याग्रह, जो दुनिया के फ्रांस की क्रांति से भी बड़ी क्रांति मानी जाती है, अपनी क्रांति शुरू की और
और सत्याग्रह किया पानी का कि हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमें सार्वजनिक स्थान का पानी 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 पीने का अधिकार है। जब कुत्ते बिल्लियों को पीने का अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। तो वो संघर्ष उन्होंने किया। अंबेडकर समझते थे कि सत्ता में मजबूत भागीदारी के बगैर दलित वर्ग की दुर्दशा को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की। अंग्रेजों ने जब ये प्रस्ताव रखा कि जिस तरह से पृथक मतदान मंडल मुसलमानों के लिए है और उसी तरह से दूसरे कुछ समूहों के लिए भी किया जाए, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए, सिखों के लिए, दलितों के लिए भी किया जाए, तो अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। महिलाओं की स्थिति पर एक बार बोलते हुए अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। हमसे है सुविधा, हम बने संतोष आपका। भरोसा पल पल, सुरक्षा हर पल। भरोसा पल पल, सुरक्षा हर पल। डाक जीवन बीमा, भरोसा बरसों का, सुरक्षा हमेशा। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेट। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1,00,000 रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityaffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-112-001 पर। सबका साथ सबका विकास। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़े। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कराऊंगा, तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्मस्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्मस्थान सुनिश्चित करें। सांसद के मार्गदर्शन और ग्रामवासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली, घर घर हो बिजली पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। मोटे तौर पर भारतीय महिलाओं की समाज में हालत दोयम दर्जे की थी। संविधान निर्माण के दौरान अंबेडकर जानते थे कि इतिहास की गलतियों को अब संभालने का वक्त है। संविधान निर्माण के बाद बाबा साहब ने पिछली सदी के 5वें दशक के शुरुआत में हिंदू कोड बिल रखा। वो अपने उस रूप में भले ही पारित न हो सका हो, लेकिन अबलाओं को सबला बनाने का उनका सपना आने वाले समय में कई कानूनों के रूप में लागू हुआ। हिंदू विवाह कानून
हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू गुजारा और गोद लेने संबंधी कानून, महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार, संयुक्त हिंदू परिवार में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार। संविधान सभा में जितने भी मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व हैं उन सबको उन्होंने बहुत समर्थन दिया और बहुत स्ट्रांगली उनको एंडोर्स किया। जो संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसमें भी महिलाओं के अधिकारों को महत्व दिया गया। न्यूयॉर्क के विख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने 250 साल के इतिहास में 100 पूर्व महान विद्यार्थियों को चुना जिन्होंने अपने क्षेत्र में महान काम किए और अपने देश और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सूची में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डेविड आइजनहावर, मिखाइल शाकाशविली जैसे नाम शामिल थे। इसमें शीर्ष पर एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी था। इस सूची में शामिल विभूतियों के लिए पैमाना एक ही था, ये अपने समय से आगे के लोग थे। आजादी के बाद वो देश के पहले कानून मंत्री बने जिस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसका फायदा देश को आज तक मिल रहा है। 300 साल की पुरानी हिस्ट्री कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बनाई और निकाल करके देखा कि उनके 300 वर्षों में सबसे बेस्ट 100 कौन से स्कॉलर्स थे, उनमें से बाबा साहब का नाम नंबर 1 पे आया। और अपने जीवन सफर के दौरान अंबेडकर लगातार आर्थिक समानता पर जोर देते रहे। वे कहते थे जब तक समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी इसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान देश के गरीब मजलूम लोगों के लिए एक अभियान है जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि का विकास, पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना, ग्रामीण जीवन का सामाजिक और आर्थिक विकास। यही सपना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो आज कई कोशिशों के रास्ते पूरा होने को है।